और यम मित्रों, स्वागत करता हूँ मेरे और एक न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों, ये जो देख रहे हो, इस हनुमान जी को आज कलर पेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी को पहले तो कुछ इस प्रकार से व्हाइट कलर से सब तरफ पेंट कर देंगे। कुछ इस प्रकार से व्हाइट कलर ना हो तो आप चूने का भी यूज़ कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से सब तरफ व्हाइट कलर पेंट कर देने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। मैंने ब्लैक कलर जहाँ पे मरना है, मतलब बालों पे, वहाँ पे छोड़ दिए हैं, मतलब व्हाइट कलर पेंट नहीं किया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से पेंट कर देने के बाद अभी शरीर को पेंट करने के लिए कुछ इस प्रकार से कलर मिक्स कर दिए हैं दोस्तों। पहले तो व्हाइट ले लेंगे थोड़ा ज़्यादा करके, और ऑरेंज और थोड़ा सा येलो, इसी तीनों कलर को मिला लेंगे तो कुछ इस प्रकार के कलर बन जाएगा। तो इसी को हम शरीर के सब तरफ पेंट कर देंगे। यदि दोस्तों आप लोग को पता नहीं चल रहा है कि किस प्रकार इसी तरह कलर बन जाएगा, तो दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कुछ इस प्रकार से मिलाना चाहिए कि 60% व्हाइट ले लेंगे और 20% के हिसाब से कलर ले लेंगे ऑरेंज और येलो। येलो थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब 20% ना ले करके 15% भी ले सकते हैं, और जितना भी होगा ऑरेंज ही मिला देंगे। तो इसी प्रकार का कलर बन जाएगा। तो इसी को हम सब तरफ, मतलब शरीर के सब तरफ पेंट कर देंगे। और एक बात बोलना भूल गया दोस्तों, यदि इस हनुमान जी का मूर्ति बनाने का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग टाइटल पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हो, वहाँ पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो का ख़त्म होने के बाद ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से चलिए पेंट कर देते हैं शरीर के सब तरफ। दोस्तों, थोड़ा बहुत भी हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए, इसी प्रकार से वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों, अभी ऑटो के ऊपर पिंक कलर से कुछ इस प्रकार से मैंने पेंट कर दिए हैं दोस्तों वहाँ पे, और इसी को पेंट करने के साथ साथ दोस्तों अभी धोती के ऊपर रेड कलर से पेंट कर देंगे कुछ इस टाइप से। दोस्तों, धोती के ऊपर पेंट कर देने के बाद अभी दाढ़ी और बालों के ऊपर ब्लैक कलर से कुछ इस टाइप से पेंट कर देंगे। दोस्तों, पूरे आधा मूर्ति को तो पेंट कर चुके हैं दोस्तों, अभी बस गोल्ड ज्वेलरी बाकी है। तो इसी को पेंट करने के लिए मेरे पास तो गोल्ड कलर नहीं है, इसलिए मैंने येलो और थोड़ा सा ब्राउन कलर को मिला करके कुछ इस प्रकार का कलर बना दिया है। तो इसी को हम पेंट कर देंगे सब तरफ, मुकुट में और जितने भी ज्वेलरी है वो सब तरफ पेंट कर देंगे। अभी दोस्तों ऑटो को रेड कलर से कुछ इस प्रकार से बना देंगे, और माथे का जो तिलक है उसी को भी रेड कलर से कुछ इस टाइप से बना देंगे छोटा सा ब्रश लेके। दोस्तों, इतना बना देने के बाद शरीर का कलर जो आँखों पे पेंट कर दिए थे वहाँ पे वाइट कलर से पेंट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे पेंट कर दिए थे दोस्तों शरीर का कलर, तो इसलिए वहाँ पे
पेंट कर देंगे व्हाइट कलर से, और इसके बाद दस्त वहाँ पे ब्लैक कलर से आंखों को बना देंगे कुछ इस प्रकार से। छोटा सा ब्रश लेंगे और कुछ इस प्रकार से दोनों आंखों का बना देंगे। इस सब को बना देने के बाद दोस्तों हमारा हनुमान जी की मूर्ति जो कि है कंप्लीट हो चुकी है कलर पेंट करना। दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ आप लोग के नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, और इस वीडियो को इतने देर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों हनुमान जी का तो सब तरफ पेंट कर चुके हैं दोस्तों, अभी गदा और बेस को बाकी है, तो बेस को और गदा को कुछ इस प्रकार से पेंट कर देंगे दोस्तों। गदा को दोस्तों कुछ इस प्रकार से पेंट कर दिए हैं, और बेस को दोस्तों पिंक कलर से पेंट कर देंगे, कुछ इस टाइप दिखाई दे रहा है, सब तरफ पिंक कलर से पेंट कर देंगे। और ये देख सकते हो दोस्तों फाइनल लुक।